तो आज के वीडियो में हम हाईवे कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका होता है अर्थवर्क। अर्थ पे आप किस तरीके का वर्क करते हैं? अर्थ पे आप वर्क करते हैं या तो एक्सकवेशन या फिर फिलिंग, जिसे हम कटिंग और फिलिंग भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं अर्थवर्क में इन्वॉल्व जो भी मशीनरीज रहेंगी, अर्थवर्क में इन्वॉल्व जो भी मटेरियल्स रहेंगे, कंप्लीटली ईच एंड एवरीथिंग आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक्सकवेट करते हैं तो आपको अलग अलग मटेरियल्स आपके अर्थ में मिलते हैं, जैसे कि आपके सॉइल हो गए या फिर ऑर्डिनरी रॉक या फिर हार्ड रॉक निकलता है या फिर आप मार्शी सॉइल में एक्सकवेट करते हैं। तो एक्सकवेट करने के लिए, जैसे आप सॉइल में एक्सकवेट कर रहे हैं तो एक्सकवेशन काफ़ी इजी होता है सॉइल में करना, वैसे ही जैसे आप ऑर्डिनरी रॉक में जाएंगे तो ऑर्डिनरी रॉक में और भी ज़्यादा एफिशिएंसी लगता है आपके मशीनरीज का एक्सकवेशन के प्रोसेस में। तो हमारा जो शेड्यूल ऑफ रेट दिया गया है, शेड्यूल ऑफ रेट में हर एक मटेरियल का अलग अलग रेट गिवन है, इसीलिए हमको मटेरियल का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट जहाँ भी चल रहा है उस प्रोजेक्ट में हमारा कौन सा मटेरियल निकल रहा है जब भी हम एक्सकवेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अलग अलग मटेरियल्स को पहचानने का मेन मकसद हमारा यही होता है क्योंकि हर एक मटेरियल का अलग अलग रेट मिलता है। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट का पहले से जियोटेक्निकल सर्वे हुआ होगा, तो उस जियोटेक्निकल सर्वे के हिसाब से आपको पहले से पता रहेगा कि आपके साइट पे किस तरीके का मटेरियल पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल के बारे में कि सॉइल में आपका कौन कौन से मटेरियल आते हैं। सॉइल में आपके सैंड को, सिल्ट को, लोम, क्ले, मड, ब्लैक कॉटन सॉइल, सॉफ्ट सेल और लूज मरूम, ये सब अगर आपके साइट पे पाए जाते हैं, ये सभी प्रकार के मटेरियल या फिर इन सब मटेरियल के मिक्सअप पाए जाते हैं। वैसे ही हम देखेंगे आगे कि सॉइल में क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, यानी सॉइल में जब भी आप डिगिंग करेंगे, एक्सकवेट करेंगे तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैनुअल लेबर अगर एक्सकवेट कर रहा है तो मैनुअल लेबर को क्या जरूरत पड़ेगा, तो आप जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में आपको गिवन है पिक, स्पेड और सॉवेल एंड रेक, इस तरीके के मैनुअल इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं मैनुअल लेबर के द्वारा, या फिर आप एक्सकवेशन करवा सकते हैं मैकेनिकल मीन के द्वारा, आप डोजर्स यूज करते हैं वर्क को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो इस तरीके के इक्विपमेंट्स आपके यूज होंगे आप जब भी सॉइल में एक्सकवेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा आता है, दूसरा मटेरियल जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी रॉक। ऑर्डिनरी रॉक से आप समझ सकते हैं सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक में आपको ब्लास्टिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसमें आपको बिना ब्लास्टिंग के पैसा मिलता है। तो इसमें आपको मशीनरीज यूज करवाने रहते हैं आपके एक्सकवेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ऑर्डिनरी रॉक सबसे पहले किस चीजों से बना रहता है, तो ऑर्डिनरी रॉक बना रहता है आपके लैटराइट से, शेल से या कॉन्ग्लोमरेट स्टोन से, या फिर आपका लाइमस्टोन और सैंडस्टोन भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। वाटर बाउंड एंड बिटुमिन बाउंड मैकाडेम, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, कॉबल स्टोन एंड कंपैक्टेड मरूम एंड बोल्डर विच डू नॉट रिक्वायर्स ब्लास्टिंग, यानी आपको इसमें ऐसे मटेरियल्स गिवन है जिसमें ब्लास्टिंग का रिक्वायरमेंट ना हो, आप डायरेक्टली मशीनरी यूज करके ऑर्डिनरी रॉक में एक्सकवेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के बारे में दिया गया है, जब भी आप सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का एक्सकवेशन करवाएंगे, यानी आपका पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और उसको तोड़वा के आपको नया स्ट्रक्चर बनवाना है, यानी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, एक्सकवेशन करना रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिया है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, तो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट किस मटेरियल के अंदर आता है, तो ये मटेरियल होता है ऑर्डिनरी रॉक। आप जब भी सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का एक्सकवेशन करवाएं तो उसका क्लेम आप हमेशा ऑर्डिनरी रॉक के एक्सकवेशन से ही क्लेम करेंगे। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल,
लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। अब हम देखते हैं हार्ड रॉक का कंडीशन। हार्ड रॉक में आपका ज्यादातर ग्रेनाइट आता है या फिर क्वार्ट्जाइट आता है, या फिर आप आरसीसी पेवमेंट, एग्जिस्टिंग आरसीसी पेवमेंट को भी एक्सकवेट करवाना है तो वो भी हार्ड रॉक के कंडीशन में आएगा। तो जहां पे आपको ब्लास्टिंग करना रहेगा वो कंडीशन भी आपको दिया रहता है। आपको 6 तरीके के कंडीशन दिए रहते हैं हमेशा पेमेंट के लिए। तो हम पहला देख चुके हैं जो कि होता है हमारा सॉयल, दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनरी रॉक और तीसरा होता है हमारा हार्ड रॉक। ये हार्ड रॉक में हमको ब्लास्टिंग करना रहता है। उसके बाद हमारा आता है हार्ड रॉक वेयर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग इज यूज्ड, यानी हमको कंट्रोल ब्लास्टिंग करना है। कंट्रोल ब्लास्टिंग से हम ये समझ सकते हैं जो हम थर्ड पॉइंट पढ़े हार्ड रॉक, जहां पे ब्लास्टिंग अलाउड था वहां पे क्या होता है, ज्यादा इंटेंसिटी की ब्लास्टिंग होती है। लेकिन यहां पे क्या किया जाएगा, कम इंटेंसिटी का ब्लास्टिंग यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आसपास बिल्डअप एरिया मौजूद रहते हैं, बिल्डअप एरिया और हट। तो यहां पे हम स्पेसिफिकेशन में अगर जाएं तो स्पेसिफिकेशन में दिया है कि अगर आप हार्ड रॉक में एक्सकवेट कर रहे हैं और आपका लोकेशन जहां पे भी आपका साइट का लोकेशन है वहां से हट और बिल्डअप एरिया वहां से 200 मीटर की दूरी पे है, तो उस जगह पे आपको हमेशा कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग ही यूज करना है। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग में आपका इंटेंसिटी हमेशा कम रहता है। इंटेंसिटी कम रहेगा तो जो अगल बगल जो पास में आपके लोकेलिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 200 मीटर, तो 200 मीटर के आसपास की लोकेलिटी को डिस्टर्बेंस ना हो, वाइब्रेशंस ज्यादा क्रिएट ना हो, इसलिए हम कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है हार्ड रॉक जहां पे ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड रहता है। ब्लास्टिंग किस किस जगह पे प्रोहिबिटेड होगा? ब्लास्टिंग ऐसी जगह पे प्रोहिबिटेड रहता है जहां पे आपका लोकेलिटी जो होता है 20 मीटर की दूरी पे रहता है, यानी लोग आसपास के लोग 20 मीटर की दूरी पे रहते हैं, बिल्डअप एरिया रहता है, हट्स रहता है, वो आसपास के एरिया में रहता है, इसलिए यहाँ पे हम ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड रखते हैं। क्योंकि ब्लास्टिंग जब भी होता है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और आसपास के स्ट्रक्चर में, जिसके कारण डैमेज आ जाता है। इस हार्ड रॉक में हम हमेशा ड्रिलर्स और एक्सकवेटर्स का यूज करेंगे जहां पे हमको ब्लास्टिंग परमिटेड नहीं रहता है। इसके बाद आपका आता है मार्शी सॉयल। मार्शी सॉयल से आप क्या समझते हैं? मार्शी सॉयल यानी जो सॉयल आपके वाटर के हमेशा कॉन्टैक्ट में रहे। वाटर के हमेशा कांटेक्ट में रहने की वजह से यहाँ पे जो एक्सकवेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मार्शी सॉयल में आपका किस किस प्रकार के सॉयल इंक्लूडेड रहते हैं? तो आपके सॉफ्ट सॉयल और पीट्स इंक्लूडेड रहते हैं मार्शी सॉयल में। तो मार्शी सॉयल में एक्सकवेशन करने के लिए आपको मशीनरीज यूज करनी रहती है। कॉलम दिया रहता है DSR में, अलग से कॉलम में आपको मार्शी सॉयल का रेट गिवन रहता है। और जब भी आप मार्शी सॉयल में एक्सकवेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वाटर के कांटेक्ट में वो एरिया हमेशा रहने की वजह से एक्सकवेशन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हमें बार बार वहां पानी निकालना पड़ता है। तो इसमें आपके वाटर को निकालने का भी पैसा रहता है, पंपिंग और बेलिंग आउट वाटर का भी। अर्थवर्क से रिलेटेड चीजों के बारे में कि अर्थवर्क में एक्सकवेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल हमको चूज करने रहते हैं, एक्सकवेशन में क्या क्या मशीनरीज यूज होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।